हेलो एंड वेलकम बैक। और ये एक फॉलोअप वीडियो है हमारे सेम पेशेंट की, जिनका हमने पहले भी एक वीडियो डाला है और उनका अब लॉन्ग टर्म रिजल्ट, 3 मंथ्स बाद का रिजल्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। लोग रिकवरी को लेके बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि ब्लेफरोप्लास्टी की सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है या ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बाद स्वेलिंग कब तक रहती है, हम फाइनली रिजल्ट कब देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम रिकवरी को एड्रेस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं दिल्ली में पनाश एस्थेटिक्स में प्लास्टिक सर्जन हूँ और यहाँ पे हम बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जिसमें अपर और लोअर आईलिड्स को एड्रेस किया जाता है, और आज की जो पेशेंट है इनमें हमने चारों लिड की सर्जरी करी, यानी अपर एज वेल एज लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करी है। और हम बात कर रहे हैं आज रिकवरी की। तो जब आप सर्जरी कराते हैं, सर्जरी मैं यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में करता हूँ, यानी केवल आंखों को सुन करके। यदि आपको डर लगता है तो बेहोशी में भी हम करा सकते हैं सर्जरी। सर्जरी के इमीडिएटली बाद आंखें थोड़ी सी सूजी होती है, आपको हल्का सा धुंधला दिखता है, क्योंकि हम आंखों में कुछ दवाइयां डालते हैं, कुछ क्रीम्स लगा देते हैं, और वो क्रीम एक लेयर सी बना देती है आंखों के आगे। जब आप आंखें धोएंगे तो आपको प्रॉपर नजर आएगा, आप आंखें यूज कर सकते हैं, आपकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं होती है। हाँ, आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको आपके घर तक वापस छोड़ सके। अकेले यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता हूं पेशेंट्स की सर्जरी करना। आपकी जो सर्जरी लोअर लिड की है वो आंखों के अंदर से होती है, तो बाहर कोई कट नजर नहीं आता है। ऊपर की जो सर्जरी है उसमें एक कट लगता है, इनिशियल कुछ समय तक वो नजर आ सकता है। जो स्टिचेस लगते हैं ऊपर की आईलिड के, वो 7 डेज के बाद रिमूव किए जाते हैं। तो यदि मैं रिकवरी की बात करूं तो स्वेलिंग जो होती है, स्वेलिंग शुरू के 2 दिन बढ़ती है, तो इस टाइम पर आपको बर्फ यूज करनी है, आपको जितना हो सके आइस यूज करनी है, हेड ऊंचा रख के सोना है, इससे स्वेलिंग की अमाउंट कम होगा, स्वेलिंग कम आएगी और स्वेलिंग अपने आप धीरे धीरे 1 वीक में काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत क्लियरली मैं पेशेंट्स को बताता हूं कि 1 वीक के अंदर आप जैसे पहले दिखते थे ऑलमोस्ट वैसे से दिखने लग जाएंगे, आप सोशली प्रेजेंटेबल होंगे, हो सकता है कुछ नील वगैरह रह जाए, खासकर जब फैट ग्राफ्टिंग के साथ हम कंबाइन करते हैं तो नील ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक भी रह सकती है, तो वो आप लेकिन उसके ऊपर मेकअप वगैरह यूज कर सकते हैं आफ्टर अबाउट 1 वीक। तो ये रहता है जो स्वेलिंग है, ये ग्रेजुअली रिड्यूस होती रहती है और 3 वीक्स पर ऑलमोस्ट 80-85% स्वेलिंग जा चुकी होती है। बट ये 100% रिजल्ट नहीं है। हमने पहले इनकी जो वीडियो पोस्ट करी थी वो ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद के रिजल्ट की करी थी, जिसमें वो काफी अच्छी दिख रही थी, काफी बेटर दिख रही थी। बट आज हम जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का रिजल्ट है, और अब आप देख सकते हैं जब ऑलमोस्ट 99% स्वेलिंग जा चुकी है तब जो रिजल्ट है वो कैसा नजर आता है। तो इनके केस में हमने अपर और लोअर दोनों करी है और ये इनका फाइनल रिजल्ट है एट अबाउट 3 मंथ्स, एंड यू कैन सी कि क्या ड्रास्टिक डिफरेंस आया है अपर एज वेल एज लोअर लिड में। तो रिकवरी के लिए आपको जो 1 वीक एंटीबायोटिक्स खानी होती है, 1 वीक के लिए आपको दवाइयां खानी होती हैं, वो आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट करती हैं और आपके पेन रिलीफ के लिए होती हैं। 1 वीक के एंड पर आपके स्टिचेस, अगर आपने अपर आईलिड कराई है, वो रिमूव कराए जाते हैं। आपके ब्रूजेस वगैरह 10-14 डेज तक रह सकते हैं। कई बार आंखों के व्हाइट पोर्शन में ब्लड क्लॉट जमा होते हैं, वो भी यूजुअली 10 डेज में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं जो मैं 7 डेज तक डालने के लिए बताता हूँ, और उसके बाद कुछ ड्रॉप्स ग्रेजुअली टेपर करके नेक्स्ट 1 वीक में बंद करनी होती है। इसके बाद आपको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। हाँ, आप आइसिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्रेजुअली हल्के हल्के हाथ से इस एरिया को और अपर आईलिड को मसाज कर सकते हैं। आफ्टर अबाउट 14-15 डेज आप अपर आईलिड के स्कार को कम करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स, कुछ क्रीम या नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकते हैं। हल्की हल्की मसाजेस आप अपने अपर आईलिड पे करेंगे तो स्वेलिंग थोड़ी सी जल्दी चली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकवरी ऑफ ब्लेफरोप्लास्टी। यदि आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है हमें जरूर बताएं, ताकि हम उससे रिलेटेड और वीडियोस आपसे शेयर कर पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।